सबसे बड़ी खबर वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात शुरू हो चुकी है। दोनों ही जो प्रधानमंत्री हमारे हैं और शी जिनपिंग जो हैं, उनकी जो आप तस्वीरें ये देख सकते हैं, ये बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है। द्विपक्षीय बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात है, उस पर पूरे देश की नजर है और सिर्फ भारत की ही नहीं, चाइना की भी नजर है। जिस तरह से घोषणा पत्र में भारत ने आतंकवाद के मुद्दे को शामिल करवा लिया है, from Pan Shila or the five principles of peaceful coexistence, which is a relationship, will make further advancements along the right course. BRICS शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए मैं आपको, आपकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि तेज गति से बदलते वैश्विक परिवेश में ब्रिक्स को और अधिक प्रासंगिक याद है कि गोवा के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को तैयारियां और सफलता के लिए चीन से व्यक्तिगत तौर पर मुझे आपसे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शियामेन से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन सफल रहा है और इसको और प्रासंगिक बनाने की जरूरत है। शी जिनपिंग के साथ जिस तरह से मोदी की मुलाकात रही और जितना उन्होंने अपने प्रभाव को स्थापित किया, वो सराहनीय है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।